एक बार एक लड़का एक स्कूल में अपना एडमिशन करने के लिए आया, और जिस स्कूल में वो लड़का अपना एडमिशन करने के लिए आया था, उस स्कूल का एक नियम था, एक रूल था। और वो रूल ये था कि हर रोज क्लास शुरू होने से पहले वहाँ के सभी स्टूडेंट्स को मेडिटेशन करना पड़ता था, और ये रूल उस लड़के को नहीं पता था। तो उस लड़के का एडमिशन होने के बाद जब वो लड़का क्लास के लिए आया, तो वहाँ के गुरु ने उससे कहा कि तुम्हें भी क्लास शुरू होने से पहले आधा घंटा मेडिटेशन करना पड़ेगा। वो लड़का मेडिटेशन के लिए बैठा और मेडिटेशन करने लगा, लेकिन 2 मिनट के बाद ही उस लड़के को गुस्सा आने लगा और उसने अपनी आँखें खोल ली और वो मेडिटेशन से उठ गया। लेकिन वहाँ के गुरुओं ने उसे फिर से मेडिटेशन करने के लिए कहा। वो लड़का फिर से मेडिटेशन करने के लिए बैठा, लेकिन फिर से 2 मिनट के बाद ही उसे गुस्सा आने लगा। दरअसल प्रॉब्लम ये थी कि जब वो लड़का मेडिटेशन करने के लिए बैठता था, तो उसे आसपास के लोगों की बातों की आवाज़ आती थी, जिससे उसे गुस्सा आता था, और उस लड़के के साथ रोज ऐसा ही होने लगा। 3 दिन बीतने के बाद उसने अपनी ये प्रॉब्लम उस स्कूल के एक गुरु को बताई, और उस लड़के ने उस गुरु से ये भी कहा कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ के लोगों को बातें करने के लिए मना कीजिए, क्योंकि जब ये डिस्टर्बेंस होता है तभी मुझे गुस्सा आता है, और जब मैं मेडिटेशन करता हूँ और कोई मुझे डिस्टर्ब करता है तो मेरा मन उस इंसान को मारने के लिए या डांटने के लिए करता है, इसीलिए मुझे मेडिटेशन करने के लिए शांत वातावरण चाहिए। तो उस स्कूल के गुरु ने उस लड़के से कहा, तुम कुछ भी कर लो, लोग तुम्हें हर जगह डिस्टर्ब करेंगे, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना पड़ेगा, और अगर फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हें एक शांत वातावरण चाहिए, तो कल से तुम उस नदी के पास मेडिटेशन करना, वहां पर तुम्हें बातों की आवाज नहीं आएगी। वो लड़का अगले दिन नदी के पास मेडिटेशन करने लगा। जब वो मेडिटेशन करने के लिए बैठा, तो थोड़ी देर के बाद वहां से एक आदमी अपना कुत्ता लेकर जा रहा था। उस कुत्ते की आवाज से उस लड़के को डिस्टर्ब हुआ और उसे गुस्सा आ गया, और फिर से 3 दिन तक उसके साथ ऐसा ही हुआ। फिर उस लड़के ने सोचा, क्यों ना मैं नदी के बीच में जाकर मेडिटेशन करूं, वहां पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो लड़का एक नाव लेकर नदी के बीच में चला गया और वहां पर मेडिटेशन करने लगा, और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। नदी के बीच में उसे किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया, और अब से हर रोज ऐसा ही होने लगा था। वो लड़का अपना मेडिटेशन अच्छे से कर रहा था, लेकिन एक हफ्ता बीतने के बाद जब वो लड़का नदी के बीच में मेडिटेशन कर रहा था, तभी उसे पानी की छपछप की आवाज आई। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसे अपने सामने एक नाव दिखी जो कि उसके तरफ आ रही थी। उस लड़के ने उस नाव की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, अपनी नाव यहाँ पर मत लाओ, यहाँ पर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। उस नाव में से कोई आवाज नहीं आई। लड़के ने दोबारा चिल्लाते हुए कहा, लेकिन फिर भी नाव उसकी तरफ आ रही थी, और उस नाव ने लड़के की नाव को टक्कर मार दी। अब लड़के को बहुत गुस्सा आ गया था। लड़के ने सोचा, इस नाव में जो भी होगा उसे अब मैं नहीं छोड़ने वाला। और लड़का जैसे ही उस नाव के अंदर गया, लड़के ने देखा उस नाव में कोई भी नहीं था। लड़के का गुस्सा शांत हो गया। इतने में नदी के साइड से एक आदमी भागते हुए आया। लड़के ने सोचा, ये नाव उस आदमी की होगी। लड़के को गुस्सा आया और फिर से लड़का उस आदमी पर चिल्लाने लगा, लेकिन वो नाव उस आदमी की भी नहीं थी। उस आदमी ने लड़के से बोला, मैं तो यहाँ तुम्हें ये पता पूछने आया था और तुम मुझ पर ही चिल्लाने लगे। ये सुनने के बाद लड़के का गुस्सा फिर से शांत हो गया। फिर लड़का उस नाव को उस दिशा में लेकर गया जिस दिशा से वो नाव आई थी। लड़के ने ये सोचा कि वहां पर इस नाव का मालिक मिल जाएगा, वहां पर जाकर उस पर अपना गुस्सा निकालूंगा। लेकिन ये लड़का जब वहां पर पहुंचा, तो वहां पर पहुंचने के बाद इसे मालूम पड़ा कि ये नाव जो है बंधी हुई थी, और तेज हवा और लहरों की वजह से ये खुलकर खुद नदी में चली गई। अब उस लड़के का गुस्सा फिर से शांत हो गया। वो किसी को कुछ बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि ये सब जो हुआ था ये तो नेचुरली हुआ था, प्रकृति की वजह से हुआ था, किसी का भी इसमें कोई दोष नहीं था। फिर उस लड़के ने 1 मिनट के लिए ये सोचा कि जब इस नाव ने मेरी नाव को टक्कर मारी थी, तो तब मुझे बहुत गुस्सा आया था, और मेरा मन ये कह रहा था कि जिस किसी ने भी ये किया हो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, और जैसे ही मुझे पता चला कि वो नाव खाली है, उस नाव में कोई नहीं है, तो मेरा गुस्सा शांत हो गया। और जब मुझे ये पता चला कि नाव किसी इंसान की वजह से नहीं बल्कि हवा की वजह से
नेचुरली खुल गई थी तो मैं अपने गुस्से को भूल गया। यही सेम चीज होती है हमारे साथ भी। जब हमें किसी चीज पर गुस्सा आता है और वो चीज किसी इंसान की वजह से होती है तो हम अपना गुस्सा उस इंसान पर तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब अगर कोई चीज प्रकृति की वजह से होती है, नेचुरली होती है, तो हम अपना गुस्सा किसी पर निकाल नहीं सकते और हम अपने गुस्से को भूल जाते हैं। क्यों ना अगर हम हर बार ऐसा ही सोचे जब हमें गुस्सा आए किसी इंसान की वजह से, तो हम ये सोचे कि अगर ये प्रकृति की वजह से होता तो क्या हम उस इंसान पर चिल्लाते। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अपने गुस्से को जरा भी कंट्रोल नहीं कर सकते और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं, क्योंकि गुस्से में इंसान इंसान नहीं रहता है, जानवर बन जाता है। याद रखिए, अगर आप अपने गुस्से में एक पल के लिए सब्र कर लेते हैं तो आप हजार दिनों के दुख से बच जाएंगे।